बीटी न्यूज आपके साथ मैं हूँ नेहा। त्रिस्तरीय पंचायत के 9वें चरण में आज मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कई प्रत्याशियों के भाग का फैसला हुआ। इसी क्रम में नगर प्रखंड के खिरियावा पंचायत से मुखिया पद से राजेश सिंह को 750 वोट से जीत हासिल हुई। राजेश सिंह को मुखिया पद से जीत हासिल होने पर बाहर निकलते ही समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और बधाई दी। जीत हासिल होने के बाद राजेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वैसे आशीष कुमार की रिपोर्ट। 22 साल के बाद फिर से जो पिताजी का जो यहाँ खिरियावा पंचायत में कायम था पद मुखिया का, आपको सौंपा जनता ने, क्या बोला था? जनता ने बहुत विश्वास के साथ मुखिया बनाया है और जनता का जो भी समस्या पंचायत में है उसको हम दूर करेंगे और उसके लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। आज लोगों से भी मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, घर घर घूमकर सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या लगता है, वार्ड 46 बगल में है आपके भाई का वो सीट है, वो भी पूर्व मुखिया रहेंगे, अभी बबू है आपकी वहाँ की वार्ड पार्षद, उसका भी अच्छा काम की वजह से यहाँ पर लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई के द्वारा वार्ड 46 में गरीबों के लिए, महादलितों के लिए, सभी जातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया, जिसको देख कर यहाँ की जनता ने मुझ पर भी भरोसा किया और हम उस भरोसा पर खरा उतरेंगे। पहला काम क्या कीजिएगा? पहला काम है रोड और गरीबों के लिए मकान। नगर प्रखंड में हर जगह जातिवाद पर वोट दिया गया, लेकिन एक ऐसे यही पंचायत है पूरे मतलब बिहार में कह सकते हैं जी, जहाँ पर आपके जात के कोई नहीं रहते हुए भी फिर भी आप यहाँ विजय घोषित हुए, इसका क्या राज है? राज है गरीबों का विश्वास और विकास का मुद्दा, यही इसका मुख्य कारण है। राजेश सिंह ग्राम पंचायत। आपके भाई ने खिरियावा पंचायत से, जो कि पूर्व में आपके पिताजी का ये क्षेत्र रहा है और वो बहुत अच्छा काम किए थे इस क्षेत्र से, खिरियावा पंचायत से एक बार फिर से आपके भाई को सौंपा दिया, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या खुश हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर खिरियावा पंचायत में हमारे पिताजी के द्वारा जो कार्य किया गया था उसके बाद उन्होंने 22 साल इस क्षेत्र का विकास किया, उसके बाद नगर निगम और पंचायत में दो भागों में बंट गया और अब उसके बाद एक क्षेत्र हमको मिला जिस पर हम लोगों ने लगातार 15 साल काम कर रहे हैं और उसी विश्वास को देखते हुए यहाँ की जनता ने हमारे बड़े भाई को पुनः मुखिया के रूप में यहाँ चुना है और मैं पूरे जनता को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बिना जातवाद और भेदभाव को नहीं मानते हुए आपने, आपके तौर पर पूरे बिहार में ये पहला सीट होगा जिसमें भेदभाव को भूल करके विकास के नाम पर वोट दिया है, दलित वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है तो इसलिए, और सभी जाति के धर्म के लोगों ने मदद किया और विकास का मुद्दा को भर वोट दिया। कहीं ना कहीं खिरियावा पंचायत जो पहले था, जो आपके पिताजी का क्षेत्र रहा, उसके बाद आपका क्षेत्र निगम में आ गया, उसके बाद आपने निगम के सीट को जीता और लेकिन फिर भी जुड़ाव आपकी इस पंचायत से लगा रहा और हमेशा आप सेवा करते रहे, इसका भी तो प्रतिफल हो सकता है? निश्चित तौर पर हमारे पिताजी को मान सम्मान खिरियावा पंचायत के लोगों ने दिया था जिससे वो 22 साल मुखिया रहे और उसी का श्रेय हम लोग देते हैं खिरियावा पंचायत के लोगों से, हम लोगों ने कभी इस जुड़ाव को छोड़ा नहीं।